तेजस्वी ने सिखाने का काम किया है और ये राज को नहीं हर राजों को प्रधानमंत्री को सीखना चाहिए कि किस तरह से नौकरी दिया जाता है। रोजगार मतलब क्या, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार कौन रोजगार दिए हैं? तेजस्वी दिए हैं, तेजस्वी दिए हैं। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार बोले तेजस्वी है तो बच्चा है, हम वो बच्चा कहाँ, उसको तो आप रिजाइन दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र दे देना चाहिए जी। का है जी? उसको उसको सेंस खत्म हो गया। शिक्षा विभाग किसके विभाग में था? राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के पास में था। तो रोजगार नीतीश जी से जबरदस्ती छीन ही रहा था, अभी और दिवाना चाह रहा था, इसके वजह से ही वो भागे हैं। अगला सीएम तेजस्वी यादव को देखना चाहेंगे क्या भैया? क्योंकि वो कुर्सी के लोभ में ऐसा बोले होंगे, कुर्सी के लोभ में बोले होंगे। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव तो बच्चा है, हम मुख्यमंत्री थे, हमने आदेश जारी किए थे, आदेश तो वही जारी किए थे। किनको मानते हैं? केंद्र सरकार से हमको कहना है थोड़ा सा। नौकरी तो जो वर्तमान में मुख्यमंत्री थे वही दिए, नीतीश कुमार दिए थे वही दिए। नौकरी जो बिहार में मिली है कुछ दिन पहले, इनका श्रेय किनको याद है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार को? अच्छा नौकरी बताइए, आप घर का मालिक हैं, ये तो मुख्यमंत्री बिना कहे वो नौकरी हो जाएगा, वो तो नीतीश कुमार का ही श्रेय। ये तो बोलना ही मूर्ख है। हाँ। अगर हम बोल दें तेजस्वी जी नौकरी दी है तो अपने रीजन में क्यों नौकरी नहीं दी है? मतलब तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार नहीं? चलिए तो ठीक है, नीतीश कुमार को ले बड़ा उन्होंने उदय के देखा दस, बस बात खत्म। लोकसभा चुनाव कब जाता है, समय मिलेगा, किनके साथ रहिएगा? किनके साथ? कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ। हाँ। क्या भैया? देश बचाओ, कांग्रेस लाओ। कांग्रेस चुनाव जीतवे नहीं करेगी। आती वजह छोड़ कर अच्छा से एकदम वोट कीजिए और हम देखेंगे तेजस्वी यादव को वोट कीजिए, क्योंकि अभी वो आए तो इतना सारा रोजगार मिल गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं हूँ संजीव सिंह आपके साथ। के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता तोड़ लेते हैं और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है रविवार बिहार की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, लेकिन बिहार में जो है एक बड़ा बयानबाजी चल रहा है इस वक्त। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जितनी एनडीए की सरकार 17 वर्षों में नौकरी नहीं दी है, उतने हमने 17 महीने में सरकार दी है। वही एनडीए वाले बोल रहे हैं, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो भी बच्चा है, हम मुख्यमंत्री थे, हमने जो है इसकी घोषणा की थी। इसी तमाम मुद्दे पर हम जो है जनता से राय पूछेंगे कि आखिर रोजगार का मतलब कौन, रोजगार कौन दिए हैं। जो भी शिक्षक भर्ती के तहत जो भी ज्वाइनिंग हुआ है, लगभग 2 लाख से अधिक जॉब हुए हैं, नौकरियों में हुई है, वो किनके तहत हुई, तेजस्वी यादव दिए हैं या नीतीश कुमार के तत्व आए? तमाम जो बिहार की जनता है उनसे हम राय विचार लेते हैं। क्या भैया, रोजगार मतलब क्या, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार कौन रोजगार दिए हैं? तेजस्वी दिए हैं, तेजस्वी दिए हैं। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार बोले तेजस्वी है तो बच्चा है, हम वो बच्चा कहाँ, उसको तो आप रिजाइन दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र दे देना चाहिए जी। का है जी? उसको उसको सेंस खत्म हो गया, सेंस खत्म हो गया। हाँ, वो जब तक रहेगा बिहार को बर्बाद कर देगा। मतलब रोजगार मतलब तेजस्वी यादव जी? हाँ। अरे आप देखिए ना भाई, आप ही उठा के देखिए, के पाठक जो है कल बोल रहे हैं 1,71,000 लोगों को और रोजगार मिलेगा, तो आप किसको सराह जाएगा? कहाँ कहीं बट रहा है, और सब पत्र बांटे ना, बोले कि तृतीय चरण में 1,71,000 पत्र बांटा गया है, वो सब बटा है कहीं है, और सब तो हमारे लगता नहीं 15 साल में कभी कुछ हुआ। जो रोजगार देने वाले हैं 1,71,000, ये किन के नाम जाएगा? तो अच्छा है ना, बांटे तब ना दिखेगा लोगों को, बांटे तब जानेगा। तब क्या, अभी हम कुछ देखे हैं, अभी जो देखे हैं वही बताएंगे ना। क्या भैया, 17 साल और 17 महीने के बाद चला, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं जितना 17 साल में रोजगार नहीं हुआ उतना 17 महीने में दिए हैं, किनको माने रोजगार का असली मतलब कौन, कौन नेता दिए हैं? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी दिए, तेजस्वी, तेजस्वी ने सिखाने का काम किया है और ये राज को नहीं हर राजों को प्रधानमंत्री को सीखना चाहिए कि किस तरह से नौकरी दिया जाता है। ठीक है, आज ये नौकरी देने का परिणाम है जो तेजस्वी यादव ने किया है, वही अभी जो निकल के आ रहा है 1,78,000 निकल के आ रहा है, उन्हीं के कहां पर निकल के आ रहा है? हाँ, तो और क्या, जान रहे कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर हिंदुस्तान में है तो बेरोजगारी का है, बेरोजगारी का मुद्दा हटाएंगे तभी सीट पे आ पाएंगे। ठीक है, अच्छा, के पाठक और शिक्षा मंत्री जो पूर्व के हैं चंद्रशेखर जी, दोनों में नहीं बन रहा था, अब नया शिक्षा मंत्री आज बने हैं, ये आपको हो गए विजय चौधरी, क्या कहेंगे आप, पटरी खाएगा? देखिए, उन लोगों की जाति अपना पार्टी का उन लोगों का मामला है, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर पाते कुछ उनके बारे में जान। देखिए, उन लोग क्या है कि रात में कुछ और डिसीजन लेते हैं, सुबह होते हुए डिसीजन कुछ और हो जाता है। हाँ। उन लोगों का कुछ नहीं, हमको सबसे बड़ा मुद्दा है जो बिहार के या हिंदुस्तान के जो वासी हैं, खास करके जो बिहार का बात हो रहा है, तो बिहार का युवा जो है, युवा को उससे बात कर लिए कि जो पढ़े लिखे हैं उसको नौकरी देने का काम करेंगे। अब इंडस्ट्री लेके आइए ना, जो बिहार के लेबर मजदूर लेबर क्लास के आदमी जो बाहर जाके गाली जूता और बात खा रहे हैं, वो खत्म कीजिए ना आप। कब तक बिहारी लाल जूता और गाली सुनने का काम करेगा? आप 17 साल बैठ जाते हैं, 18 साल बैठ जाते हैं और बिहार के लिए कुछ नहीं करते, कोई इंडस्ट्री नहीं ला पाते हैं, कोई रोजगार में बात नहीं कर पाते हैं। बिहार का लोग प्लान करता है, हर रात प्लान करता है, कोई यहाँ बॉम्बे का यहाँ से ट्रेन पकड़ता है दानापुर से, कोई गुजरात का पकड़ता है, कोई तमिलनाडु का पकड़ता है, हर रात प्लान करता है, उस पर आप कहीं नहीं बात करते भाई। अच्छा, तेजस्वी यादव जी बोले थे 10 लाख लोग रोजगार देंगे, क्या लगता है रफ्तार में चल रहे थे लेकिन ब्रेक लग गया, सरकार पलट गई, अब नहीं होगा क्या उसका सपना पूरा? देखिए,
जिस टाइम वो गठबंधन की जब सरकार बिहार में बनी थी उससे पहले ने तेजस्वी यादव ने वादा किया था बिहार के युवाओं के साथ कि पहला कलम मेरा चलेगा रोजगार पर चलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार बनने के बाद अगर कलम चलाने का काम किया है और खास करके नीतीश कुमार से छीनने का काम किया है तो वो तेजस्वी यादव है। मोदी जी भी बोले थे 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे। हाँ तो मिला ना भाई, मोदी जी का हर चीज़, मोदी जी का 3 सपना। पहला सपना था प्रधानमंत्री बनना, दूसरा सपना था जितने नेशनल चैनल गोदी मीडिया उस पर हाईलाइटेड होना, प्रचार सबसे बड़ा मुद्दा उनका है, ठीक है। और तीसरा मुद्दा था उनका पूरे विदेश यात्रा करना जो संपूर्ण कर चुके हैं, ठीक है। रोजगार पर ध्यान नहीं दिए मोदी जी, रोजगार पर ध्यान रहते हैं, रोजगार पर अगर ध्यान रहते हैं तो ये पहले से प्रधानमंत्री मोदी जी और पहले से मुख्यमंत्री नीतीश जी जिनको हर जगह से गाली सुनने का काम किया है, गाली देने का काम किया है, गाली सुनने का काम किया है, तो यही दो गो, एक नीतीश कुमार एक मोदी जी। पूरे बिहार युवा से एक ही जाना है, रोजगार जो है ये जो दिए हैं शिक्षा को ये कौन दिए हैं, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, किसको आप मानते हैं? इसमें हम तो मानना चाहेंगे जैसे बोला था कि हर साल 10 लाख रोजगार दूंगा, तो जो शिक्षा विभाग किसके विभाग में था, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के पास में था, तो रोजगार नीतीश जी से जबरदस्ती छीन ही रहा था, अभी और दबाना चाह रहा था, इसके वजह से ही वो भागे हैं। कि जैसे 10 लाख था ना, अभी 1.5 साल अभी बच रहा था, तो 1.5 साल में सोच रहा था कि 4.5 लाख जो और लेना था, हाँ और लेना था, जबरदस्ती तिर रहा था, बट सोचा कि अब नहीं, अब इतना नहीं। वो तो पहले नीतीश जी बोले थे ना कि इतना सारा नौकरी देंगे तो पैसा मेरे पास, पैसा कहाँ से आएगा वो बोले थे, तो इसके वजह से वो और लेना चाह रहे थे, तो इसके वजह से वो सक्षम नहीं थे नीतीश जी, तब भाग गए। आप कह रहे कि हम दिए, तो तेजस्वी जी का देन है। क्या कहेंगे, रोजगार मिला तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, कौन दिए? देखिए मुख्य है कि जो बिहार की जीडीपी है, आर्थिक विकास, उस पर कोई नेता नहीं बोल रहा है। रोजगार युवा दिग्भ्रमित है और वो दिग्भ्रमित नेताओं के संख्या से नहीं और रिक्तियों की संख्या से नहीं, रिक्तियाँ पहले से भी थी और रोजगार चुनाव के मुद्दा नहीं हो सकता है। रोजगार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीडीपी पर निर्भर करता है। मतलब रोजगार मिला है उसको पैसा मिलेगा कहाँ से, ये अभी तक तय नहीं हुआ? नहीं हुआ। इस पर कोई फोकस करे कि हमारा बिहार का आर्थिक विकास कैसे होगा, उस आधार पर औद्योगिक विकास होगा, शैक्षणिक विकास होगा, तकनीकी विकास होगा। मतलब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, महागठबंधन के हो चाहे इंडिया, कोई ध्यान नहीं दे रहा आपके अनुसार? सेंट्रल कुछ कर रही है लेकिन वो ये हम उस पर पूरा फोकस नहीं कर सकते। तो बिहार में सरकार बन गई है एनडीए की, फिर घोषणा हुआ कि 1,71,000 जो है तृतीय चरण में 71,000 और चतुर्थ चरण में जो है 1,71,000 और नौकरी आएगी, तो अब एनडीए सरकार भी नौकरी दे रही है, तो अब कहाँ से पैसा आएगा? 16 करोड़ जो है बिहार की आबादी है उसमें 1 लाख शिक्षा विभाग में आ जाए तो लोग शिक्षा खो जाएंगे, उसे नहीं, हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। तो चाहे हमारा मजदूर है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे किसान है, उस क्षेत्र में जीडीपी का बढ़ना या उसमें अवसर रोजगार का आना बहुत जरूरी है। सवाल ये है जैसे अभी जो नौकरी दी गई है ये श्रेय किनको जाता है, तेजस्वी यादव को या नीतीश कुमार? भारतीय संविधान को देना हम चाहेंगे, हम किसी को देना नहीं चाहेंगे। भारतीय संविधान, तेजस्वी यादव बोले पहले से भी 17 साल सरकार चल रही थी। 17 साल की बात नहीं है, उसके पहले उनके पिताजी की भी चल रही थी, उसके पहले बहुत से गठबंधन हुए थे। जो ईमानदार लोग आते हैं चाहे जिस, उसको पहले जिताइए और उनकी प्रक्रिया में देखिए कि वो हमारे लिए हमारे हित में क्या करेंगे। अब व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ दीजिए, छोड़ना होगा जातिवाद छोड़कर अच्छा से एकदम वोट कीजिए और हम देखेंगे तेजस्वी यादव को वोट कीजिए, क्योंकि अभी वो आए तो इतना सारा रोजगार मिल गया, मतलब तेजस्वी यादव आए तो रोजगार मिला, अभी इतना और आगे रहेंगे तो और भी मिल सकता है। मतलब रोजगार मतलब आप तेजस्वी यादव को मान रहे हैं? तेजस्वी यादव ही क्या सही बोल रहे हैं? क्या रोजगार कौन दिए? रोजगार के मामले में अभी कोई सही नहीं है, जब चुनाव आता है, चुनाव का जब मुद्दा आता है सभी लोग रोजगार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चुनाव से पहले कोई रोजगार दे तो हम मानेंगे कि नहीं सरकार बनने लायक है। क्या भैया क्या कहेंगे आप, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? रोजगार मतलब देखिए तेजस्वी यादव इसलिए कहे जाएंगे क्योंकि उस समय से जब चल रहा था, जब केंद्र सरकार जो है कि स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी के साथ थी नीतीश कुमार की, तो जो है कि क्या है कि नीतीश कुमार जी के पास पता नहीं नौकरी था कि नहीं था लेकिन दे नहीं रहे थे, ठीक है। जैसे महागठबंधन किए तो तेजस्वी यादव पुश किए थोड़ा सा कुछ दीजिए, हम युवाओं से जो है कि युवाओं से जो है कि लेकर वादा करके आएंगे और वादा करके आएंगे कि पहला कलम जब चलेगा ना तो वो चलेगा नौकरी पे, ठीक है। काम जो बोले थे वो किए? हाँ एकदम काम किए। तो अगला सीएम किसको देखना चाह रहे हैं? अगला सीएम तेजस्वी यादव को देखना चाहेंगे। क्या भैया क्योंकि वो कुर्सी के लोभ में ऐसा बोले होंगे? कुर्सी के लोभ में बोले होंगे। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव तो बच्चा है, हम मुख्यमंत्री थे, हमने आदेश जारी किए थे,
आदेश तो वही जारी किए थे, किनको मानते हैं? केंद्र सरकार से हमको कहना है थोड़ा सा, तो नौकरी तो जो वर्तमान में मुख्यमंत्री थे वही दिए, नीतीश कुमार दिए थे वही दिए, और वो तो उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, उनके साथ कार्यकर्ता के तौर पर रहे, लेकिन देश में तो बोल रहे हैं कि 17 साल से सरकार थी, तो वो कहाँ दिया? अरे भैया 79 गो सीट वो उन्हीं के पास था, 79 गो सीट उन्हीं के पास है, ठीक है? तो बोल दिए थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, नीतीश कुमार यादव बोले थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, तेजस्वी यादव जी बोले थे, नहीं नहीं सॉरी नीतीश कुमार बोले थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, वो तो बोल दिए थे कि हवा में बात कर रहा है, मतलब आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव एकदम बिल्कुल तेजस्वी यादव ही नौकरी दिए हैं, वही सृजन किए हैं, उन्होंने बोला था कि 10 लाख नौकरी मैं सीएम बनूंगा तो दूंगा, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री रहते हुए 9 अगस्त को महागठबंधन बना और 15 अगस्त को नीतीश कुमार से उन्होंने बुलवाने का काम किया गांधी मैदान में, और नीतीश कुमार खुद बोले, तेजस्वी यादव उनको पुश किए क्या बोलिए और वो बोले, अगर अगर एनडीए की बात कर रहे हैं तो इतना अभी आंदोलन चल रहा है रेलवे में, 5600 वैकेंसी दिया है रेलवे, वहाँ एनडीए क्यों नहीं गवर्नमेंट रोजगार की बात कर रही है, बोले आप हर साल निकालेंगे वैकेंसी, 5600 वैकेंसी कोई होता है, पाँच साल बिहार को 38 को मिला है, बिहार को वही ना देश में वही ना बात बोल रहे हैं कि पूरे देश में 5600 वैकेंसी निकला हुआ है, 2018 में वैकेंसी दिए हुए, क्या बोले? बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार बोल रही है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र, अडानी का 200 करोड़ रुपया जो है कि माफ कर दिया गया, कैसे माफ कर दिया गया? हमारा जो है कि टैक्स लगता है, हम लोगों पे, सब किसी पे टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? सब किसी का टैक्स का पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है, और केंद्र सरकार के पास जाता है तो क्या है कि कुछ हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो अंबानी अडानी ये सब हो गए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि कर्जा ले लिए हैं भारत से, और कर्जा ले लेने के बाद जो है कि चुका नहीं पा रहे हैं, 200 करोड़ रुपया जो है कि अडानी के खाता माफ हो गया सुखाड़ में, किसान लोगों का माफ नहीं होगा क्योंकि किसान लोग देश को चलाते हैं और देश को अन्न देते हैं, और जो है हाँ, और एक बात सुन लीजिए, रामदेव बाबा थे उनका जो लगभग 100 कुछ करोड़ रुपया उनका भी माफ़ कर दिया गया, कैसे माफ़ कर दिया गया भाई? वो सब देश का पैसा है और हर एक मतलब गरीब इंसान का पैसा है, और आप कपड़ा किने हैं ना, हम कपड़ा किने हैं, लोकसभा चुनाव टैक्स कटता है ना, लोकसभा चुनाव कब जाता है, समय मिलेगा, किनके साथ रहिएगा? किनके साथ? कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ, हाँ, क्या भैया? देश बचाओ कांग्रेस लाओ, कांग्रेस चुनाव जीतबे नहीं करेगी, कांग्रेस जीतबे नहीं करेगी, और जिस तरह से हम लोग तो जब से मेरा उम्र हुआ है तब से देख रहे हैं नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, हम देख रहे हैं जब से मेरा उम्र वोट दे रहे हैं, लेकिन हम तो शपथ लिए है कि नीतीश जी को तो वोट देना ही नहीं है और नए लालटेन को देना है, तो किसको दीजिएगा? अब देखे तीसरा विकल्प आएगा युवा चेहरा उसको देंगे, दोनों को देखे हुए हैं हम लोग हैं, तीसरा विकल्प बिहार में कौन नजर आ रहा अभी है? विकल्प है तेजस्वी भी हो गया, जनसुराज है, जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर, हाँ आएंगे तो उनको भी वोट देंगे, हम लोग जात पे वोट नहीं देते हैं। अच्छा आपसे सवाल है कि इसे नौकरी जो बिहार में मिली है कुछ दिन पहले, इनका श्रेय किनको जाता है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? अच्छा नौकरी बताइए, आप घर का मालिक है, ये तो मुख्यमंत्री बिना कहे वो नौकरी हो जाएगा, वो तो नीतीश कुमार का ही श्रेय, ये तो बोलना ही मूर्ख है, अगर हम बोल देंगे तेजस्वी ने नौकरी दी है तो अपने रीजन में क्यों नौकरी नहीं दी है, या विकास नहीं हुआ? पहले भी बना था, अगर शांति चाहिए तो बिहार में भाजपा की सरकार आना होगा, या तीसरा विकल्प तेजस्वी से भाजपा से हटके तीसरा विकल्प आएगा तभी ये बिहार संभलेगा। जो भाजपा की सरकार बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं रहता है, जब मणिपुर जलता है अभी भी जल रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी समय उनके पास नहीं मिलता है जाने के लिए, आज चुनाव जब आता है तो हर स्टेट में जाने के लिए उनके पास समय मिलता है, चुनाव रैली करने के लिए समय मिलता है, पर जब हमारा मणिपुर अपना मणिपुर जल रहा, भारत का हिस्सा है, वहाँ जल रहा, वहाँ बीजेपी की सरकार है ना, वहाँ पूरी तरह से जल रहा है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी एक घंटे के लिए अभी तक गए हैं, पूछिए तो अरे बीजेपी सरकार आना चाहिए, मानता हूँ, पर बीजेपी हमारे कारगिल युद्ध में जो लड़ा है शहीद, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, उसके लिए प्रधानमंत्री को 5 मिनट का समय अगर मणिपुर भी जाके देख सकते, अभी भी जल रहा है, अभी भी जाके वहाँ पूरी तरह से भाजपा जब से सरकार आई है ना केंद्र में, तब से सेना से सर उठा के और छाती चौड़ा करके चलता है, अगर सुनिए अगर सेना चाहे वहाँ किसका सरकार था भाई, मणिपुर में किसका, मणिपुर छोड़िए आप कुल्लू मत करिए, बिहार देखिए आप, बिहार के मणिपुर किसका आदमी को यार, बिहार में जिसको मुख्यमंत्री बनते हैं ऐसे भक्त हैं कि इनको खाली, नहीं नहीं ऐसे भक्त हैं, हम मोदी का भक्त नहीं है, फिर क्यों कर रहे हैं कि मोदी, या मोदी मेरा जात, मोदी मेरी सरकार क्यों होना चाहिए, मोदी मेरा जात भी नहीं है, नीतीश जात है, तेजस्वी जात है, फिर करें तेजस्वी कौन कर कुछ कर रहा है, जो हम क्यों करेंगे चलने के लिए देगा, रोजगार कुछ ही पहले हुआ, रोजगार का मतलब कौन, तेजस्वी यादव मतलब तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार नहीं, चलिए तो ठीक है, नीतीश कुमार गोले बड़ा उन्होंने उदय के देखा दस, बस बात खत्म।
देखिए तमाम जो है युवा चेहरा थे और तमाम जो है जनता आम जनता ने राय रखी है कि रोजगार जो मिला है शिक्षकों को बीपीएससी के जो सफल अभ्यर्थी है उनको जो रोजगार मिला है बिहार में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने जितने रोजगार दिया है उतने 17 साल में भाजपा या इंडिया की जो सरकार है नीतीश कुमार है वो नहीं दिए हैं। तो साथ ही साथ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे रीजन में ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था, श्रेय लेने की होड़ थी तो आम जनता से हमने राय पूछा, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीतीश कुमार को भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो सरकार में थे, नेतृत्व वो कर रहे थे, मुख्यमंत्री वो थे, इसलिए नाम नीतीश कुमार का भी होता है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि रोजगार का मतलब कौन, तेजस्वी या नीतीश कुमार, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस पर इतना ही। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।